हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइज? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो जी, आज तकरीबन लाइबा जो है वो सुबह की सफाई करने के लिए आ चुकी हुई थी, और साथ साथ जी किचन काफ़ी दिनों से काफ़ी गंदा हुआ पड़ा था, और मैंने कहा आज इसको वॉश कर लो। और वॉश करने के बाद साथ साथ बादल बने हुए थे, तो मैं क्या तू अंदर बरांडा शरांडा तो हैर नल हैर सल है। तो हैर यहाँ पर जी वो कर रही है साथ साथ सफाई, और अगर घर गंदा हो तो बैठने को भी दिल नहीं करता। तो यही हाल मेरे हाल में हर घर का होता है, जैसे ही नाश्ता कर लें तो फिर दिल करता है कि आप बैठें, और बैठा जाए वो भी साफ जगह पे। तो इसीलिए जी साथ साथ सफाई जो है वो कमरों से हो चुकी थी, और यहाँ पर मैं और ज़ारा खेलते हुए, यानी कि ज़ारा मेरा दुपट्टा लेकर, तो वो कह लें कि चाचा खेल रही थी, वो कहती अपने ऊपर ही दुपट्टा लेकर करती थी चा, मैं इतना खुश थी वो उसको करते हुए, पता नहीं केड़ी गिद्दड़ सिंह की ज़ारा दे हाथ लग गई है। ओ साहब सी ज़ारा माशाल्लाह काफ़ी खेल रही थी, तो मैं कहती है खेड़ आए दिन नहीं चार दिन, फिर जम जो वड्या होना है ना, फिर त्यों त्यों जिम्मेदारियाँ तो पढ़ाई दे बोझ पै जाने, फिर माशाल्लाह फिर नहीं है खेडियाँ जाती हैं। ज़ारा यहाँ पर जी खेल रही है, और साथ साथ जी आज हमारे घर में है जी अकीका। कीका मतलब अकीका है, ऐसे पता नहीं ये किसका है, यानी कि फजर और साथ साथ जी ज़ारा का कीका था करने वाला, वो तब से हमने नहीं किया क्योंकि दोनों इकट्ठे करने थे, और एक का जी कुर्बानी वाली ईद के अंदर था एक हिस्सा, यानी कि एक का कीका और एक का आज था, और पता नहीं वो ईद वाले दिन किसका हुआ है और आज किसका है। तो है यहाँ पर जी मैम साथ साथ मशीन में कुछ कपड़े डाले, कपड़े डालने के बाद मशीन लगा रहे, तो मशीन माशाल्लाह मुन्नु ही एरर दे रही थी, तो मैं तो बड़ी टेंशन फ्री होकर पर चली, तो भी सैर वीडियो बना रही थी, तो उन्होंने कहा पुप्पो एरर दे रही है, जीरो पे खड़ी है, तो मैं नहीं तो माशाल्लाह लाख टुर जाना सी, फिर कल पा मेरे लिए वादे का होना सी, जो मैं आके वेखना सी ना कपड़े धुप के ना हूँ मैं सुकने पा ला, तो ये उत्थे दी उत्थे खलोती होनी, तो मैं बड़ा ही गुस्सा चढ़ना। खैर शहर ने जी देख लिया था, शहर ने बोला पुप्पो मशीन एरर पे है, तो फिर जी मैंने दोबारा से सेट किया और दोबारा से मैंने उसको लगा दिया ताकि कपड़े धो ले, और खैर पुप्पो ने भी जी साथ जी कपड़े धोने के बाद उन्होंने तारों पे डाल दिए थे ताकि अच्छे से सूख जाए, और माशाल्लाह इतने साढ़े कसाई साहब भी आ गए हुए सन, यानी कि मेरे अपने हस्बैंड जी। बकरा जो था वो ज़िबा वगैरह करके डेरे से ही ले आए थे, और घर पे आके बोटियां बना रहे हैं क्योंकि घर पे जो हैं बच्चे होते हैं सारे, इसीलिए जी वो घर पे इस तरह का काम कोई भी नहीं करते। तो है यहाँ पर जी सिर्फ और सिर्फ बोटियां बना रहे हैं, और साढ़े बालों में बड़ा ही चाह होंगे कि असं वेखिए बोटियां बनदियाँ कि नहीं, यानी कि लेलू दियाँ बोटियां किमें बनदियाँ। तो है ऐसे यहाँ पर जी बच्चे थोड़ी देर खड़े होने के बाद देखने के बाद जो है वो जी चले गए कमरों में, कोई इतल उतल फेरे तो कोई कमरे च है। यहाँ पर जी छोटी जितनी भी छुरियाँ थी वो मैंने दी हस्बैंड को ताकि उनकी भी ज़रूरत होती है, और हस्बैंड ने बोला था कि ला के दे दो, तो है उनको दे दी। लो वही हूँ अपना काम आप ही करो, यानी कि जिमें असां बीबियाँ अपना काम आप करना होंगे तो तुसी भी अपना काम आप करो। तो है यहाँ पर जी वो बनाने लगे हैं बोटियाँ, और यहाँ पर जी हम चलते हैं अपने काम की तरफ, यानी कि कपड़े पुप्पो ने बोला था सूख गए तो इनको अंदर रख देना, और मैंने जैसे ही चेक किया यानी कि ऊपर वाली तरफ से तो सूख गए हुए थे, नीचे से सारे के सारे गीले थे, तो इसीलिए मैंने साइड चेंज की कुछ कपड़ों की, और कुछ मैं क्या चलो तुसी हुन इंजे सूख लो, मैं तो चट बात तुहानू आख ला लैंदी, क्योंकि हुन लाए तो फिर वो नमी वाले जिहड़ा मौसम है ना उसकी वजह तो कपड़े सही सूखते है ही नहीं। तो खैर कपड़े साथ साथ धोए थे, कुछ चादरें थी धोने वाली वो धोई थी, और धोने के बाद इनको धूप में डाल दिया, लो वही रख के थोड़े जरा सी मर जान एक बार तो ला ला दे। हैं यहाँ पर जी आज बड़े दिनों से मुझे बुने हुए चावल की क्रेविंग हो रही थी, और क्योंकि मैंने जी पहले दो तीन दिन सोचा है कि अम्मी के घर से बोलूँ कि मुझे दाने बनवा के भेज दें, यानी कि चावल के और चने के, बहरहाल जी वो काम ही को नहीं सही, यानी कि अगर वहाँ से बनवा भी लेती तो वो फिर मेरे भरा ने लिया के नहीं सन मन देने, दो त्रै दिन उतों ही पे रहने सन, तो मेरे वीर जी दे ऊँ तक उंज सेल जाने सन, तो मैं क्या लो जी घर का जुगाड़ नमक की एक चम्मच सट्टो तो तवे तो आप ही भुन लो, तो हैर है तो डाढ़े सन असी फिर खाने मजबूर सा खा तो असं छड़े सन। तो खैर यहाँ पर जी बच्चों को अंडे के साथ रोटी दी, और साथ ऐ थोड़ी भैन दू ब्रेडा दे विच अंडा ला के खा रही, यानी कि फैंसी स्टाइल में। खैर ये तो मज़े के साथ साथ चलते रहेंगे, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं कूद रहे हैं लड़ रहे हैं, तो खैर
ਲੜਦੇ ਰਹੋ ਕੁੱਦਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਐ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਖੈਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਜੀ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਥੇ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਗੇਮ ਖੇਲ ਰਹੇ ਥੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਥ ਸਾਥ ਜੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਟੋਪ ਕਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਥੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਮੇਂ ਹੀ ਵੋ ਮਗਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਔਰ ਖੇਲੇਂਗੇ ਔਰ ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਕਾ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟਸ ਆਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪੀ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਤੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਖੂਹ 'ਚ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਖੈਰ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜੀ ਵਲੋਗ ਕੋ ਕਰਤੇ ਹੈ ਐਂਡ ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਹਮਾਰੇ ਵਲੋਗ ਅੱਛੇ ਲਗਤੇ ਹੈ ਕਾਇੰਡਲੀ ਲਾਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਜੀਏਗਾ। ਦੁਆਓਂ ਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ ਔਰ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕੀਜੀਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਮੇਂ ਬੋਲਾ ਕਰੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਂ ਬੋਲਾ ਕਰੂੰ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਤੋ ਆਪਕੋ ਵਲੋਗ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਦਿਆ ਕਰੂੰ। ਬਹਰਹਾਲ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।